2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर बंजर जमीन को रिस्टोर करने के लक्ष्य पर भी काम कर रहा है। साथियों, पर्यावरण की रक्षा के लिए आज भारत नए इनोवेशंस प्रो एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी पर लगातार जोर दे रहा है। आप सभी ये जानते हैं कि प्रदूषण कम करने के लिए हम BS5 नॉर्म पर नहीं आए, बल्कि BS4 से सीधे BS6 पर हम जंप लगा दिया। हमने जो देश भर में LED बल्ब देने के लिए उजाला योजना चलाई, उसकी वजह से सालाना लगभग 40 मिलियन टन कार्बन एमिशन कम हो रहा है। सिर्फ लट्टू के बदलने से घर में, अगर सब लोग जुड़ जाएं, सबका प्रयास कितना बड़ा परिणाम लाता है। भारत फॉसिल फ्यूल पर अपनी निर्भरता को कम से कम करने का प्रयास कर रहा है। हमारी ऊर्जा जरूरतें रिन्यूएबल सोर्सेज से पूरी हो, इसके लिए हम तेजी से बड़े लक्ष्यों पर काम कर रहे हैं। हमने अपनी इंस्टॉल पावर जनरेशन कैपेसिटी का 40% नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड सोर्सेज से हासिल करने का लक्ष्य तय किया था। ये लक्ष्य भारत ने तय समय से 9 साल पहले ही हासिल कर लिया है। आज हमारी सोलर एनर्जी कैपेसिटी करीब 18 गुना बढ़ चुकी है। हाइड्रोजन मिशन हो या फिर सर्कुलर इकोनॉमी पॉलिसी का विषय हो, ये पर्यावरण रक्षा की हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। हमने पुरानी गाड़ियों को लिए स्क्रैप पॉलिसी लाए हैं, वो स्क्रैप पॉलिसी भी अपने आप में एक बहुत बड़ा काम होने वाला है। साथियों, अपने इन प्रयासों के बीच आज पर्यावरण दिवस के दिन भारत ने एक और उपलब्धि हासिल की है, और ये मेरा सौभाग्य है कि खुशखबरी देने के लिए मुझे आज बहुत उचित मंच मिल गया है। भारत की परंपरा रही है कि जो यात्रा करके आता है उसको छूते हैं तो आधा पुण्य आपको मिल जाता है। ये खुशखबरी मैं आप जरूर सुनाऊंगा और देश को और दुनिया के लोगों को भी आनंद आएगा। हाँ, कुछ लोग आनंद ही ले सकते हैं। आज भारत ने पेट्रोल में 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। आपको ये जानकर भी गर्व की अनुभूति होगी कि भारत इस लक्ष्य पर तय समय से 5 महीने पहले पहुंच गया है। ये उपलब्धि कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि साल 2014 में भारत में सिर्फ 1.5% इथेनॉल की पेट्रोल में ब्लेंडिंग होती थी। इस लक्ष्य पर पहुंचने की वजह से भारत को 3 सीधे फायदे हुए हैं। एक तो इससे करीब 27 लाख टन कार्बन एमिशन कम हुआ है। दूसरा, भारत को
41,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। और तीसरा महत्वपूर्ण फायदा, ये देश के किसानों को इथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ने की वजह से 8 वर्षों में 40,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा आय हुई है। मैं देश के लोगों को, देश के किसानों को, देश की ऑयल कंपनियों को इस उपलब्धि के लिए बधाई देता हूं। साथियों, देश आज जिस पीएम नेशनल गतिशक्ति मास्टर प्लान पर काम कर रहा है, वो भी पर्यावरण रक्षा में अहम भूमिका निभाएगा। गतिशक्ति की वजह से देश में लॉजिस्टिक सिस्टम्स आधुनिक होगा, ट्रांसपोर्ट सिस्टम मजबूत होगा, इससे प्रदूषण कम करने में बहुत मदद मिलेगी। देश में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी हो, 100 से ज्यादा नए वाटर वे के लिए काम हो, ये सभी पर्यावरण की रक्षा और क्लाइमेट चेंज की चुनौती से निपटने में भारत की मदद करेंगे। साथियों, भारत के इन प्रयासों, इन अभियानों का एक और पक्ष है जिसकी चर्चा बहुत कम होती है, ये पक्ष है ग्रीन जॉब्स। भारत जिस प्रकार पर्यावरण हित में फैसले ले रहा है, उन्हें तेजी से लागू कर रहा है, वो बड़ी संख्या में ग्रीन जॉब के अवसर भी बना रहे हैं। ये भी एक अध्ययन का विषय है कि जिसके बारे में सोचा जाना चाहिए। साथियों, पर्यावरण की रक्षा के लिए, धरती की रक्षा के लिए, मिट्टी की रक्षा के लिए जन चेतना जितनी ज्यादा बढ़ेगी, उतना ही बेहतर परिणाम मिलेगा। मेरा देश और देश की सभी सरकारों से, सभी स्थानीय निकायों से, सभी स्वयंसेवी संस्थाओं से आग्रह है कि अपने प्रयासों में स्कूल कॉलेजेस को जोड़िए, एनएसएस एनसीसी को जोड़िए, आजादी के अमृत महोत्सव में जल संरक्षण से जुड़ा एक आग्रह और भी करना चाहता हूं। अगले साल 15 अगस्त तक देश के हर जिले में, कम से कम एक जिले में, हर जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवर के निर्माण का काम आज देश में चल रहा है। 50,000 से ज्यादा अमृत सरोवर आने वाली पीढ़ियों के लिए वाटर सिक्योरिटी सुनिश्चित करने में मदद करेंगे। ये अमृत सरोवर अपने आसपास मिट्टी में नमी को बढ़ाएंगे, वाटर टेबल को नीचे जाने से रोकेंगे और इनसे बायोडायवर्सिटी भी इम्प्रूव होगी। इस विराट संकल्प में आप सभी की भागीदारी कैसे बढ़ेगी, इस पर जरूर विचार हम सब एक नागरिक के नाते करें।